बीजेपी से तो अलगाव हुआ है, लेकिन देखिए मैंने इतने दिनों से जो राजनीति करते आए हैं और उनकी भी राजनीति जो है कट्टरवादी राजनीति थी, अब जिस संगति में उन्होंने सरकार बनाया है वो जो है दूसरे मिजाज के लोग हैं, तो अभी दोनों के बीच तालमेल बैठाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी भी जो पुराना संस्कार है, पुरानी आदत है, पुराना सोच है, वो उभर उभर के सामने आता है, अभी कुछ दिन आएगा, लेकिन धीरे धीरे हमको लगता है कि एडजस्टमेंट होगा, बढ़िया से एडजस्टमेंट होगा। ये ओवैसी जो है और अमित शाह दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक उसमें बहुत फर्क नहीं है और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इस तरह के बोली के जरिए। लेकिन जो सीए पर विवाद है ये थमता नहीं मिल रहा, अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह के बीच में भी वो मस्करे बोलते हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। असल में नसरुद्दीन शाह बहुत आउट स्पोकन आदमी है, मैंने कोई बात खर्रा ढंग से कहना ये उनका हम देखते हैं स्वभाव है, और उन्होंने कह दिया कि अनुपम खेर क्लाउन है, उसके समर्थन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने दीपिका की प्रशंसा भी की है कि अपने करियर के माने पिक पर हैं दीपिका, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाया और जेएनयू में गई, छात्रों के साथ खड़ी हुई, तो ये दोनों काम उन्होंने किया है, एक को मस्खरा कहा और एक को साहसी कहा है। देखिए जिसको दिखाई दे रही है कि मौत सामने है, वो तो माने हर तरीके से कोशिश करता है कि जितना उसको हम देर कर सकते हैं देर करें, मुक्ति अगर नहीं मिल पाती है तो कम से कम देर ही करें, मैंने मौत तो सबके लिए मैंने एकदम बिल्कुल समझिए कि ये जानते हुए कि सबको मरना है, युधिष्ठिर से एक प्रश्न यही पूछा गया था कि भाई सब जानते हैं कि मैंने दुनिया से जाना है, फिर भी हर आदमी जो है जिंदगी को पकड़ करके अधिक से अधिक जीना चाहता है, उसी की कोशिश है ये हमको नहीं लगता है कौन लोग हैं इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए कोई भी संघर्ष जो है एक एक हद के बाद एक सीमा के बाद थकान वाली स्थिति आती है, ये हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भी देखा था कि एक आंदोलन चला और वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल चला, उसके बाद जो है एक थकान का पीरियड आता है, और उसी बीच में गांधी जी जो है सबको इंगेज रखने के लिए मैंने कई तरह का सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम जो है चलाते थे, तो एक थकान तो आना है। अभी जो मान लीजिए सीएए के खिलाफ नागरिकता में जो संशोधन किया गया है कानून में, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है शाहीन बाग में, देश के कई इलाकों में चल रहा है, ये एक अभूतपूर्व घटना है, यानी अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हमने इस तरह की घटना कभी देखी नहीं है, मैंने समाजवादी आंदोलन भी देखा, जेपी आंदोलन भी देखा, और हम इसको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मुस्लिम समाज भी बदलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, पर्देदारी वाला समाज है, औरतें जो है बाहर जो है नहीं निकलती हैं, पर्दे में रहने वाली हैं, वो आके नारा लगा रही हैं, ये भी समाज को में जो बदलाव दिखाई दे रहा है इससे हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बीजेपी को लगता है कि भारतीय संस्कृति इसी में है कि इन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक से एक जहरीली बात करते हैं, जूता से पीटेंगे, कुत्ते जैसा पीटेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, ये उनको भारतीय संस्कृति के अनुकूल लगता है, लेकिन रात में पब खुला हुआ है तो वो उनको भारतीय संस्कृति के उससे खतरे में दिखाई देती है, भारतीय संस्कृति की असल में समझ इनको नहीं है, तो कहाँ जाके कोई दीपे खरीद लिया है, वहीं जो है वो अपना राज जो है चला रहा है, लोगों को नागरिकता दे रहा है, ले आना चाहिए पकड़ के उसको, अगर आ सकने वाली कानूनी स्थिति है तो ले आके ट्रायल करना चाहिए, यहाँ ये साधु का भेष रखे वहाँ भी जाके साधु ही बना हुआ है। अब ये हमलों का समाज भी अजीब है, वो जो बलात्कार वाले स्वामी जी हैं इतने दिनों से जेल में बंद हैं, अभी भी उनके भक्तों में कमी नहीं आई, राम रहीम के भी भक्तों में कमी नहीं आई, सब कुछ जानने के बाद भी लोग कैसे माने ऐसे लोगों के साथ या ऐसे संस्थानों के साथ बंधे रहते हैं, ये बड़ा शोध का विषय है। राहुल गांधी 30 जनवरी को रैली करेंगे सीए के अगेंस्ट में वायनाड में। वायनाड अपना उनका क्षेत्र है,
दोनों चीज हो जाएगा, क्षेत्र का दौरा भी हो जाएगा और सीएए का विरोध भी हो जाएगा। शिवानंद तिवारी, जिस तरह से रजनीकांत ने पेरियार पे कमेंट किया था, उनके घर पे हमला हुआ, पुलिस फोर्स बुलाने की खबर आ गई। देखिए पेरियार के बारे में जो जो जिक्र रजनीकांत ने किया है वो 1971 वगैरह की बात का है, जब पेरियार साहब का जुलूस निकला था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी ने चप्पल चला दिया था, जो पोस्टर लगा हुआ था भगवान राम का, उस पर कोई किसी ने पीछे से पोस्टर चला दिया था। उनको मालूम भी नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था। लेकिन ये बात सही है कि ब्राह्मणों के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ पेरियार जम करके उन्होंने हमला किया था। कहीं कहीं अति भी हो गया था, कहने ब्राह्मण लोग पीटे गए थे या जनेऊ उनका तोड़ा गया था, ऐसा भी आंदोलन हुआ था। तो उनके मन में, उन लोगों के मन में ये बात थी पेरियार वगैरह के मामले में कि ये राम और लक्ष्मण और सीता और फलाना ठिकाना ये आर्य लोगों के देवता हैं और आर्य लोगों ने द्रविड़ों पर एक तरह से आक्रमण किया था। तो उस नाते कि द्रविड़ों को आर्य संस्कृति से दूर रहना चाहिए, उनके देवी देवताओं से दूर रहना चाहिए, ये उनका था। तो वहाँ बहुत लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं, रावण को मैंने हम लोग जो है दैत्य के रूप में, राक्षस के रूप में देखते हैं, लेकिन वो रावण की पूजा करते हैं। लेकिन अब विडंबना देखिए कि रावण के बारे में भी माना जाता है कि वो ब्राह्मण है, तो आप एक ढंग से मैंने ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। तो बड़ा भारी अंतर विरोध है। और ये जो कह रहे हैं वहाँ मैंने जो द्रविड़वादी पार्टियां हैं वो रजनीकांत का विरोध कर रही हैं, सुना कि घर का घेराव राव भी उनका हुआ है।